नाफरमानी करता है। उसके बाद लालच, लालच की वजह से भी जिंदगी में ना सुकून आता है, सुकून चला जाता है। लालच की वजह से जिंदगी में सुकून चला जाता है। एक मिसाल दूंगा मैं आपको, एक एक मिसाल। विरासत, विरासत का बंटवारा, यानी बाप मर जाता है और बच्चे आपस में लड़ते हैं किसका कितना है। बहन कहती है भाई ने दिया नहीं कुछ, और भाई कहता है कि अब्बा ने जो है शादी में खर्च कर डाला तुम्हारा, अब क्या चाहिए तुम्हें। और एक घर रहता है, और आदमी जो है अपने बीवी बच्चों की फिक्र की वजह से अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देता है। अरे मेरे बच्चे बड़े हो गए, बाद में दूंगा, कर दूंगा, वो मेरा दामाद खराब है, मेरा बहनों ही खराब है, पैसा उड़ा देगा, मेरे पास रखता हूं। गुलाबी गुलाबी अल्फाजों से लोगों के हक मारे जाते हैं विरासत के बंटवारे में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी की जमीन का इतना टुकड़ा, सुई के नोक के बराबर का टुकड़ा अगर हक मार दिया, तो कयामत के दिन 7 जमीन का टुकड़ा अपने गले में बांध कर वो अल्लाह के दरबार में आएगा। मैं पूछना नहीं चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने अपनी बहनों को या अपनी बेटियों को विरासत में दिया। मैं किसी को शर्मिंदगी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अपने आप को पूछिए आप, ये जो समाज में बुराई है वो लालच की वजह से है। अरे अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर लिख दी है, तुम्हारे तकदीर का आखिरी निवाला तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा तब तक मलेकुल मौत तुमको हाथ नहीं लगाएगा, उसके बाद किसी और के माल के अंदर हड़प करने की नियत क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ना मेरे साथ कब्र में आने वाला है, वो सब छोड़ के चले जाएंगे, सिर्फ कब्र में जाऊंगा तो हिसाब का देखकर ही आदमी की हालत खराब हो जाएगी कि क्या करके आया। जब आदमी मरता है तो लोग पूछते हैं क्या छोड़ के गया, फ्लैट, गाड़ियां, दुकानें, पूछते हैं लोग। और ऊपर फरिश्ते पूछते हैं क्या लेकर आया, क्या लेकर आया, कर्जा, लोगों का माल खाया, क्या करेंगे? तो विरासत का बंटवारा अगर नहीं होगा, आप नमाजी है, हर साल हज पढ़ने जाते हैं, दाढ़ी है, बहन का हिस्सा नहीं दिया, गया, क्या फिर, क्या ईमान है आपका? अल्लाह ने उसको वाजिब करा, फर्ज करार किया। जानते हो कुरान की आयत है, कुरान की सबसे लंबी आयतों में ये आयत है, सबसे लंबी जो आयतें हैं उसमें विरासत के बंटवारे की आयत है, लंबी आयतों में से, कि विरासत में किसका कितना हक, अल्लाह ने लिख दिया, झगड़े की जरूरत ही नहीं है, लिख दिया है सबका किसका कितना मिलना चाहिए, मां को, बहन को, बीवी को, बेटी को कितना मिलना चाहिए, लिख दिया। उसके बाद भी आदमी अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत में लोगों के साथ नाइंसाफी करता है, मेरे बीवी बच्चे फुटपाथ पे आ जाएंगे क्यों? और कुरान ने कह दिया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। फितना कहते हैं टेस्ट, आजमाइश, परीक्षा। फितना का एक मायना होता है परीक्षा। अगर परीक्षा में फेल हो गए तो फेल हो गए, खत्म हो गया, खत्म हो गया। नमाजी, हाजी जो तहज्जुद गुजार और कुरान पढ़ते हैं लेकिन बहन का हिस्सा नहीं देते विरासत में, तो इबादत, अल्लाह ताला एक बार अपना हक माफ कर देगा कि भाई चलो नमाज में कोताही थी, माफ कर दिया, लेकिन दूसरों का हक क्यों माफ करेगा? अल्लाह क्यों माफ करेगा दूसरों का हक? अल्लाह का एक नाम है आदिल, आदिल, अदल करने वाला, बराबरी करने वाला, इंसाफ करने वाला। अल्लाह उसका हक देगा, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे हज, तुम्हारे रोजे, सारी चीजें अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको दे देगा और उसका अजाब तुमको मिलेगा। हक नहीं मारेंगे लोगों का, जिंदगी में सुकून आएगा। चाहे आप छोटे से घर में क्यों नहीं रहते हो, छोटे से घर में भी आदमी अगर रह सकता है, खुशी से रह सकता है, अगर लोगों का हक दिया तो, अगर लोगों का हक दिया तो खुशी से रह सकता है।